मैं समझ गई कि नहीं, मैं समझ गई इस गलती राम जी, मैं समझ गई। मैं समझी थी तो उलझ गई, अब उलझन तेरी सुलझ गई, नहीं तो समझ गई। मैं समझ गया नहीं, मैं समझ गया नहीं, मैं समझ गया इस गल दी रमज, मैं समझ गया नहीं, मैं समझ गया। तम है की गुड, हाँ हाँ कर लो कॉन्ट्रैक्ट साइन। कट 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 कट, ए भाई, ए मेरे बाप, मैं आपसे कह रहा भैया हटिए, मेरे हीरो के सामने आ रहे हैं आप। अरे हटिए यार, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये भी कोई नया हीरो आया है भाई साहब, हम लोग काम कर रहे हैं, आप वहाँ पब्लिक के पीछे जाके खड़े हो जाइए प्लीज। देखिए मुझे मानसी से मिलना है। मानसी से आप जानते हैं उसे? जी हाँ, बहुत नजदीक से। क्या लगती वो आपकी प्रेमिका जी? बिलावेड, माय बिलावेड। एक मिनट। कैन यू डार्लिंग कीप द रिहर्सल ऑन? मानसी। यस सर। उस लड़की को देख रही हो? वो कह रहा है कि उसे तुम्हें मिलना और तुम उसकी प्रेमिका हो। इज इट अ फैक्ट? नहीं सर, ना ही मैं किसी की प्रेमिका हूँ और ना ही मुझे इससे मिलना है। कह दूं? कह दीजिए सर। फाइनल? यस सर। भाई साहब, वो कह रही है कि ना वो आपसे मिलना चाहती है, ना वो आपको जानती है, ना वो आपकी प्रेमिका। अंडरस्टैंड? मुझे उनसे मिलना है। ओके, शूटिंग के बाद मिल लीजिए। देखिए मैं जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा हूँ, आप भी जेंटलमैन की तरह बिहेव कीजिए। वहाँ चले जाइए प्लीज प्लीज, हमें काम करने दीजिए प्लीज। Start sound. मैं खुद न टक्कर में भी जाऊँगा। रुक जाओ मानसी। मुझे तुम्हारे दुख का अंदाजा है। गलती मुझसे हुई और सारी बातें जान लेने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। जानती हो क्यों? क्योंकि जो लड़की अपने माता पिता के गहरे प्यार को अपने प्यार से ज्यादा मान दे, उनकी इज्जत के लिए अपने प्यार को त्याग दे, वही लड़की किसी के घर की लक्ष्मी, किसी की अच्छी पत्नी बन सकती है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफी मांगनी चाहिए तुम्हारे पिता को मेरे बाबा से। क्यों? चाटा मारा इसलिए? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल गलत। मानसी, जिस तरह से तुम अपने बाबा का मान करती हो, उसी तरह मैं भी करता हूँ। मानसी, it's done, काम हो गया। विक्रांत कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होना चाहिए। आज शुभ दिन है, गुड़ी पड़वा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, just sign it, just do it, come on, come on। आज से 3 साल के लिए आप विक्रांत की हीरोइन, the star of tomorrow, यहाँ साइन करेंगे। Lovely. दरबारे दे विच तेरा जे ते मेरे दे मेरे घर फेंक कर आ गई थी तुम। इन्हीं मोतियों का हार एक बार फिर से बनाऊंगा और तुम्हें पहनाऊंगा। अगर मुझ में ईश्वर है, सच्चाई है, तो एक दिन तुम खुद भागकर मेरी बाहों में आओगी। तुम खुद One, two.
3, 4. भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। हाँ, तो हो गई मीटिंग? हो गई। हो गया फैसला? जी हाँ, हो गया। क्या? आपको साइन कर दिया और मुझे रिजाइन कर दिया। ना कर दिया आपको? जी हाँ, ना कर दी। देखिए भाई साहब, मैं आपकी कहानी तो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो लड़का लड़की सितारों की दुनिया में आ गए, वो आसमान पर लटक गए। स्टार्स इन द स्काई, वो भी जमीन पर ना आए। यार, बियॉन्ड रियलिटी माय फ्रेंड। आप शायद इस लड़की को जानते नहीं, मैं जानता हूँ। वो आएगी, मेरे पास ही आएगी, और इसे आप ही भेजेंगे। मैं? जी हाँ, आप। I'm a businessman, यार, a pure businessman। हाँ हाँ, businessman बनकर ही भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे। एक बात, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा। I like your confidence, my friend. I like your confidence and good luck. Yeah, thank you. Welcome back, Daddy. जो बातें तुमने दीप से की, क्या वो सच है? बिल्कुल सच है। इन लोगों ने तारा बाबू और मानसी का अपमान किया, गलत किया, इसीलिए आपका अपमान हुआ, गलत हुआ। लेकिन ये भी सच है कि बोलो 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 कि मैं मानसी से प्यार करता हूं, उससे शादी का वादा कर चुका हूं। तो अब क्या करोगे? घर छोड़ दोगे? हमें जलील करोगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस हरकत से आपकी या आपके घर की इज्जत पे आंच आए, वो हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। नो तमाशा, नो छोटापन, नो वायलेंस, नो। ना ही आपको छोड़कर जाऊंगा, ना ही मानसी को भगाकर शादी करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। गुड। अगर मैं आपकी शादी मानसी से नामंजूर कर दूं तो? आप ऐसा नहीं करेंगे। नो, यू वोंट डू इट। मानसी और मेरा प्यार आपके बुने हुए जाल के नीचे ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ। फर्क इतना है कि आपने तारा बाबू से एक बिजनेसमैन की तरह प्यार किया और मैंने मानसी से एक मैन की तरह, एक इंसान की तरह प्यार किया। ये ना होगा मानव। मानसी तो इस घर में नहीं आएगी, ना, नेवर। ठीक है, अगर मेरा प्यार झूठा है तो फिर वो कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरे दिल में ईश्वर है, सच्चाई है, अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मैं क्या, आप खुद मानसी को इस घर में लेके आएंगे। आप, एंड इट विल हैपन। कहानी है मानसी शंकर की, जिसे आप मिलेंगे आज शाम को MTV पार्टी में। Hey, welcome to MTV Indian Music Viewers Choice Award and the FIFA having a blast. और आज हम यहाँ पर हैं एक तारे की खोज में, और वो खोज खत्म हो गए, because we have मानसी शंकर, the winner of the MTV Indian Viewers Choice Award. जिस दिन मैंने मानसी को पहली बार देखा, उसी दिन मैं 5 मिनट में समझ गया था, यही दुनिया की सबसे बड़ी स्टार बनेगी। I am grateful to Ken Star for giving us this honor. Ken Star makes the star, and that's Mansi. That's मैं MTV देखती थी,
पर इस पर मेरा गाना टॉप चार्ट पर आएगा ये ख्वाब मैंने देखा ही नहीं था। तो फिर कौन सा ख्वाब देखा था आपने? वो ख्वाब तो कुछ और ही था। हमें ये ऑनर दिया है। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड। आज मेरे रगों में खून दो गुना ज्यादा दौड़ रहा है। ट्वाइस विक्रांत, सॉरी क्या बेबी? विक्रांत मां देखो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। अब मेरी रगों में खून छह गुना ज्यादा दौड़ रहा है। सिक्स हार्ट। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। ओह हाय। आप इधर? हाँ मैं इधर। यहाँ यहाँ कैसे? बस आ गया हूँ जैसे आप आए हैं। आप भी कैंसर देना है? नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन हो जाऊँगा। मैं आपसे तो मिलूँ? आई सच पूछे दोस्त, आप मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे भी आप पसंद है। यू आर एन इंटरेस्टिंग गाय। लेकिन महाराज अधिराज सरकार, एमटीवी ने हमारे ऑनर में इतनी बड़ी पार्टी दी है और आप उसे भंग करने के लिए फिर आशिक का रूप लेके बाजार गए, ये आपको अच्छा लगता है? आशिक का रूप नहीं सर, आशिक हूं। इसका? उनका। देखिए भाई साहब, ये बिजनेस पार्टी है और इनकी सक्सेस का पहला दिन, इसीलिए तो आया हूं। देखिए एज अ जेंटलमैन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से खिसक जाइए प्लीज। मैंने आपसे कहा ना कि मानसी मेरी है और मैं मानसी का, इसीलिए तो आया हूँ। लेकिन वो तो आपको पहचानने से इनकार करती है सर। सर वो गुस्से में है सर, मोहब्बत में लड़ाई भी तो होती है। तो आपको पूरा यकीन है कि वो आपके पास वापिस आएगी? यस यस 100%। और आप ही भेजेंगे उसे मेरे पास? बैनर्जी, ये दीवाना हो चुका है, बाहर जाने का रास्ता दिखाई प्लीज। आज की शाम मानसी शंकर के नाम, और आज की शाम के हमारे चीफ गेस्ट अ यंग डैशिंग एंड हैंडसम गाय मिस्टर मानव मेहता। To give away the 10th star trophy titled the Star of the Year on behalf of MTV to Mansi Shankar. Mehta & Mehta Company ke chairman ke ek lote bete, jinhone London mein apne college mein maximum awards paaye, not only in Indian music but Indian literature. Well, a great Indian from Great Britain, Manav Mehta. इसे यहाँ एमटीवी वालों ने चीफ गेस्ट बना के बुलाया है। ड्रिंक्स कितने हैं? ये नहीं बनना चाहते हो तुम? तो मानव सी हो, मानव सी कह दो कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। जिंदगी मत जीना प्लीज। चलो इंतजार करूंगा तुम्हारा। बाय। सर योर कॉमेंट्स ऑन दिस प्लीज। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड। अब मेरा खून 12 गुना ज्यादा दौड़ रहा है। एनी मोर क्वेश्चन मेरे पास?